उनका विश्वास बढ़ता हुआ तुम्हें देखा है, लगता नहीं है ऐसा? यस सर। हम कहीं जाते हैं तो अगर हमें जैसा लगता है कि हम अपनी गांव की भाषा जानते हैं, अगर हम शहर में जाते हैं वहां पर खड़ी बोली शुरू हो जाती है, कुछ गांव को छोड़ करके शहर में खड़ी बोली शुरू हो जाती है, तो वहां भी कुछ लोगों को समस्या आने लगती है। इसलिए हमें एक से ज्यादा भाषाएं जानना अति आवश्यक है। तो हिंदी भाषा का निरंतर असर गिरता हुआ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हम इतनी दिशाओं में, इतनी क्षेत्र में जाकर देखते हैं कि आज क्या स्थिति हो गई है। क्या वास्तव में जितने तुलसीदास, शीलादास, कबीरदास या जितने लोग थे, प्रशांत बिहारीलाल या भारतीय भविष्य, जितने महान लोगों ने जो अपनी उपलब्धियां प्राप्त की है या जो अपने जीवन से सीखा है, क्या आज हमारे जीवन में उसका कोई अस्तित्व नहीं है? खुद से प्रश्न लीजिएगा। मैं मानता हूं कि कई लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा जानने से हमारा क्या होगा, हम किसी संस्थान में जाते हैं, किसी विदेश में जाते हैं तो हमें अंग्रेजी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ अंग्रेजी भाषा की बुराई या अंग्रेजी भाषा का हरण नहीं करने जा रहे हैं, बस हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जितने भी देश होते हैं आप सब जानते हैं अपनी निजी भाषा का प्रयोग करना बेहतरीन समझते हैं। कहीं भी आप कोई भी देश, जापान हो, चीन हो, तो सब अपनी निजी भाषा का प्रयोग करना बेहतर समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी जो निजी भाषा हिंदी, हिंदी की ऐसे कितने लोग पता है कि ये जो आज हम लोग मना रहे हिंदी दिवस, ये कब से मनाया उनका सबसे ज्यादा योगदान हमारी भाषा में। तो लेकिन हुआ क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि 14 सितंबर को हमारे हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है, तब से हमने हिंदी भाषा हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए। और हम हर वर्ष यही प्रति क्या करते हैं, यही प्रण लेते हैं कि जिस तरह से हिंदी भाषा का स्तर गिर रहा है, हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि हमें कुछ कोशिश करना चाहिए, एक कदम बढ़ाना चाहिए इसकी ओर, कि जिस तरह से किसी जमाने में हिंदी भाषा का महत्व था, आज भी वह स्थिति फिर से बन जाए। तो ज्यादा समय लेते मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इतनी बहुतायत मात्रा में यहां उपस्थित हुए, मुझे आशा ही नहीं है, पूरे विश्वास है कि आप यहां पर आने के पश्चात और यहां पर जब तक उपस्थित हैं, आप जितना कुछ मैं ये बात कर भी कर चुका हूं, फिर भी कहता हूं कि आपको जितनी आनंद और अनुभव की प्राप्ति होगी, आप मुझे इस कार्यक्रम के पश्चात बताइएगा। अगर आपको ऐसा लगे मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया तो आप मुझे सीधा से बताइएगा, ऐसी सी बातें, अगर मैं 2 घंटे कहीं और होता मैं कुछ बेहतर कर सकता था, यहाँ आना मेरा व्यर्थ हो गया, बिना संकोच की हुए बिना डर के आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा समय लेते हुए यहाँ पर बहुत से प्रतिभागी अपना प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप उनका उत्साह वर्धन करें और उन्हें आप विश्वास दिलाएं कि आप जितने शान और जितना विश्वास और गौरव के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम आगे बात करेंगे कि हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा को और कुछ शिखर ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो इसी कड़ी में देखते हैं।